इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन से आप अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठे। इसमें आपको कोई चार्ज पेमेंट नहीं लगेगा और आप बड़ी आसानी से अपना ईपिक डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको अपने एंड्रॉयड प्ले स्टोर से आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे टर्म कंडीशन पे आपको एग्री करना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आपको जिस लैंग्वेज जिस स्टेट से हैं आप कोई भी लैंग्वेज आपका जो आसान लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में आप इस एप्लीकेशन की लैंग्वेज देखना चाहते हैं उसी में कर सकते हैं। मैं तो सिंपल सा आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने सिलेक्शन कर दिया है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना, आगे प्रोसीड होगा। तो इस वीडियो पे हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे बड़ी आसानी से मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन जो कि होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे और भी इसमें फीचर्स हैं एप्लीकेशन में, वोटर रजिस्ट्रेशन रिजल्ट्स कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन इलेक्शन, इस तरह से और भी यहाँ पे देख सकते हैं टैब है, कंप्लीट ईवीएम एक्सप्लोर करंट पर्सनल वैल्यूड गैलरी, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें और भी आप अपडेट करेक्शन जो भी आप कराना चाहते हैं आप बड़ी आसानी से इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप करा सकते हैं घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। तो इस वीडियो पे हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि आप वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, जो कि आपका न्यू वोटर आईडी कार्ड हो या आपका पुराना वोटर आईडी कार्ड हो तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, आप यहाँ पर ईपिक पर क्लिक कर देना। ईपिक पर आप क्लिक करते हो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा टैब। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तीन ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे अगर आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड है यानी पुराना वोटर आईडी कार्ड है यानी यस आई हैव ईपिक नंबर, आपके पास ईपिक नंबर होना चाहिए 10 डिजिट यानी 10 नंबर वाला अगर है तो इसमें क्लिक करके आप अपने वोटर आईडी कार्ड को फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है यानी आपका अगर आपने वोटर आईडी कार्ड न्यू अप्लाई किया है तो उसमें आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होता है। तो अगर आपका न्यू वोटर आईडी कार्ड है तो आप रेफरेंस नंबर से अपने वोटर आईडी कार्ड को यहां से फाइंड कर सकते हैं ढूंढकर, और आप अपने वोटर आईडी कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सर्च बाय डिटेल्स, यानी आप यहां पे सर्च बाय डिटेल्स से अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं आसान से। तो मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं, मेरे पास किसी का ऑलरेडी जो पुराना वोटर आईडी कार्ड उसको यहां पे डाउनलोड करके आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें जिसको अगर वोटर आईडी कार्ड में डाउनलोड करने में समस्या आए तो इस वीडियो को देखकर आसानी से वोटर आईडी कार्ड आप अपने घर बैठे ही आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आई हैव ईपिक नंबर पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हमें क्या है ईपिक नंबर डालना पड़ेगा 10 अंकों वाला, और यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्शन करना होगा जिस स्टेट का वोटर आईडी कार्ड हो, और यहाँ पे फीस डिटेल्स पे आपको उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है, क्लिक कर देना है आगे टाइप कर। तो यहाँ पे मैं आपको डालता हूँ और सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने ईपिक नंबर और डिटेल्स यहाँ पर डाल दिया हूँ वो सिक्योरिटी पर्पज़ से ये ब्लर कर दिया गया है, आप जैसे कि यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे डिटेल्स आपका जो वोटर आईडी कार्ड अगर आपने डाला, स्टेट डाला और आपने फीस डिटेल्स डाला, यहाँ पे आपका जो वोटर आईडी कार्ड है और बना हुआ है कंप्लीट है तो यहाँ पे नीचे डिटेल्स आपका आ जाएगा, नेम फादर्स नेम मोबाइल नंबर, ये आप बड़ी आसानी से इसको आप देख सकते हैं और इसको पता कर सकते हैं कि ये हाँ मेरा ही करेक्ट वोटर आईडी कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोसीड का, यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं।
प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगला जो सेक्शन टैब आता है यहाँ पे सेंड ओटीपी, तो यहाँ पे ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर जो आपका वोटर आईडी कार्ड में रजिस्टर्ड होगा उसी में ओटीपी आएगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे ओटीपी आने के बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड ईईपी पर सेंड कर देना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आया तो यहाँ पे रिसेंड ऑप्शन कर सकते हैं, दोबारा से ओटीपी आ जाएगा। और यहाँ पे मैं ई डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आगे प्रोसीड होगा। आपके सामने लाइव प्रूफ करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आप बड़ी आसानी से वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जो कि डिजिटली वोट। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो चुका है जो कि न्यू है, और इसमें आपका फ्रंट और बैक साइड का रहेगा, क्यूआर कोड भी रहेगा, किस डेट को डाउनलोड किया। जैसे कि आपने देखा होगा आधार कार्ड डाउनलोड होता है उसी टाइप का यहाँ पे आप डिजिटली वोटर आईडी कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा, और आप इसको आसानी से प्रिंट आउट करा के रख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।